इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सीसी की शाम 6 बजे आज अहम बैठक बताई जा रही है और राजस्थान की 76 सीटों को लेकर के इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अहम फैसला होगा। 76 सीटें बताई जा रही हैं जिन पर मंथन होगा। तेलंगाना की 63 सीटें भी हैं, इन पर भी मोहर लग सकती है। बैठक में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ कुमार गौरव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, कितनी अहम आज की ये बैठक और क्या एजेंडे में राजस्थान और तेलंगाना रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल सिर्फ दो राज्य एजेंडे में है, तेलंगाना और राजस्थान। तेलंगाना की 66 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है और राजस्थान के 76 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। कल देर रात तक, कल 8 बजे रात से शुरू होकर 3 बजे रात तक राजस्थान की बैठक चली और ये भी खबर आई कि जेपी नड्डा के सामने ही प्रदेश के नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई, तीखी नोकझोंक हुई सीटों को लेकर। वहीं तेलंगाना की बैठक आज सुबह लगभग 4 घंटे तक चली थी। हालांकि दोनों राज्यों में अभी इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। तेलंगाना में भी बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है और राजस्थान में ऐसी खबर है कि कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है। अब से कुछ देर बाद कुछ कांग्रेस के विधायक, एक दो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होते हुए नजर भी आ सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो आज जो बैठक होगी शाम में, उसमें तेलंगाना और मध्य प्रदेश यानी कि ये जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, इसकी आखिरी सीईसी बैठक ये है। तमाम राज्यों की सूची जारी हो चुकी है, बस ये इन दो राज्यों की जो सीटें बची है उस पर मंथन करके और आज के बाद कभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और बाकी जिन सीटों पर सस्पेंस है, पेच फंसा हुआ है, उन सीटों की जिम्मेवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी और पार्टी उसके बाद धीरे धीरे जैसे ऐसे झगड़े और लफड़े या आप कह सकते हैं विवाद खत्म होता जाएगा सीटों पे, पार्टी वैसे वैसे अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी करती जाएगी। जी शुक्रिया आपका गौरव, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अपडेट्स आपसे लेते रहे।